हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक सर्च, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी और अपने फील्ड से जुड़ी काफी सारी अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो आई है सीड प्री सीड हाउ टू रेज मनी फॉर स्टार्टअप्स सीरीज ए फंडिंग, आज की जो वीडियो है वो हमारी है सीरीज बी फंडिंग के ऊपर। तो सीरीज बी फंडिंग की अब सीरीज ए फंडिंग होगी, मैंने सीरीज ए फंडिंग के लिए रेज कर लिया। अब क्या है कि अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरी फंड मेरे जो स्टार्टअप है वो सीरीज बी के लिए रेडी है कि हाँ अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए नेक्स्ट फंडिंग राउंड के लिए रेडी हूँ। तो फंडिंग राउंड्स क्या होते हैं इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस करा है, शॉर्ट के लिए मैं बताया होता हूँ कि बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना होता है, इंडिविजुअल को पैसा चाहिए होता है। तो एक फंडिंग राउंड के जरिए इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और इंडिविजुअल को अपना पैसा मिलता है अपने स्टार्टअप्स के लिए। तो ऐसे फंडिंग राउंड्स काम करते हैं। तो सीरीज बी फंडिंग, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सीरीज बी फंडिंग के लिए रेडी है, या फिर कब मैं जाऊं अपने इन्वेस्टर के पास और सीरीज बी इन्वेस्टर के पास और मैं बोलूं कि हाँ मैं रेडी हूं, तो मेरे को सीरीज बी में फंड रेज करना है। तो अब इन्वेस्टर ऐसे तो नहीं बोले कि आपको क्या रेज, मतलब क्या चीज तो मांगे ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सीरीज बी में, कहूंगा कि आपके पास ना आपका प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, प्रोडक्ट इन मार्केट, ठीक है, और आपके पास कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ कस्टमर्स यूजिंग द प्रोडक्ट। सीरीज ए तक नहीं था ये चीजें कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपके पास जो प्रोडक्ट कस्टमर्स यूज कर रहे हैं ना कस्टमर्स का फीडबैक भी है, तो बेसिकली ये चीजें हम ट्रैक्शन में काउंट करते हैं, इन्हें चीजों को हम ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आपके सीरीज बी स्टार्टअप के लिए आपके पास होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है, आपको सेट ऑफ कस्टमर्स हैं कुछ जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स से आपको फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये ट्रैक्शन आपके पास होना चाहिए, आप सीरीज बी के लिए रेडी है। तो सीरीज बी का मैं फंड रेज कर रहा हूँ तो अब क्यों कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट तो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, मैं कुछ कस्टमर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक कह रहा है भाई अब क्या, अब पैसा क्यों चाहिए आगे के लिए, भाई पैसा चाहिए होता है आगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आज मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है तो अगर मेरे को एक्सपेंशन करना है कि हाउ बाय सीरीज बी, मैं क्यों जाऊं सीरीज बी के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर यूज कर रहा है, मेरा फीडबैक आया तो कस्टमर ने बताया कि आप अगर प्रोडक्ट में कुछ ये इंप्रूवमेंट कर लेना तो आपका प्रोडक्ट और भी लोग यूज करने लगेंगे, या फिर मेरे चाचा ताई और यूज करने लगेंगे हम ही में, तो कस्टमर को फीडबैक आया कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का कि हाँ, और आपको पता चला कि हाँ प्रोडक्ट में ये इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो पहली चीज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कह लो, डेवलपमेंट कह लो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सीरीज बी में पैसा रेज इसलिए करना है कि हमें अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, और क्या हो सकता है, मेरे को एक्सपेंशन करना भाई, मेरे को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, या फिर एक्विजिशन के लिए कि मैं आज जिस स्केल पे काम कर रहा हूं ना, स्केल ऑफ वर्क है जो मेरा, तो मेरे को उससे एक्सपैंड करना है, मेरे को और नए प्रोडक्ट्स डालने हैं, या फिर मेरे को कोई दूसरी कंपनीज वो अक्वायर करनी है, मेरे को पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। या फिर मेरे जो हम जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, तो मेरे को क्या पता अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को उसको अक्वायर करना है, तो मेरे को उस चीज के लिए चाहिए पैसा। तो सीरीज बी की फंडिंग यहाँ पे काम आती है, आपके एक्सपेंशन के लिए, आपके एक्विजिशन के लिए, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए सीरीज बी की फंडिंग काम आती है, ना कि आप अपने गुड आइडिया है, ग्रेट बिजनेस है तो इस चीज के लिए नहीं काम आती, आपका आइडिया है तो आपको यहाँ पे सीरीज बी नहीं मिलेगी। सीरीज बी की फंडिंग रेज करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें, कोई भी इन्वेस्टर ऐसी आके आपको पैसे दे नहीं देगा कि हाँ ये लीजिए पैसा, मैं आपका वेट कर रहा था, आइए पैसे ले लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा चाहिए होता है भाई साहब, उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, एक्विजिशन के लिए चाहिए। तो अब उसको क्या दिखाएंगे हम इन्वेस्टर को कि क्यों पैसा दे दो, ये सारी चीजें दिखाएंगे हम कि हमारा, देख लीजिए हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट मार्केट यूज कर रहे हैं, उनका फीडबैक देख लीजिए, और फिर पूछा कि आपको ठीक है चलो ये सीरीज है तो ठीक है, आपको पैसा चाहिए किस लिए, इसलिए चाहिए भाई साहब।
तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जिसके लिए जो टिप्स वगैरह हमने इस लास्ट वीडियो में बात करी थी, बी अ गुड कम्युनिकेटर, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, आपको अपनी पिच रेडी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर सही से चूज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के करनी पड़ेगी सीरीज बी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी सीरीज बी के बारे में, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो एक लाइन ये भी है कि सीरीज बी कब होती है, तो स्टार्टअप जो आपका है ना रीचेस अ पॉइंट वेयर इट फाउंड्स इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केट फिट। कि ये चीज हम कहते हैं कि अब स्टार्टअप अगर ये चीज यहां पर पहुंच चुका है ना, स्टार्टअप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि उसने अपना प्रोडक्ट कर लिया कि हाँ अब मेरा प्रोडक्ट ये फुली डेवलप हो चुका है, ठीक है, अब इससे ज्यादा डेवलपमेंट करनी है मेरे को, तो उसके लिए सीरीज बी की फंडिंग रेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सीरीज बी से पहले, जैसे यहाँ पर बी है, तो इससे पहले ना इस पॉइंट पे ना तो ये सारी चीजें होनी चाहिए कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ कि मैंने अपना प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया है, मेरा टारगेट मार्केट भी ढूंढ लिया है कि मैं अपने कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा, कौन से मार्केट में बेचूंगा, ठीक है। तो अब उस फर्दर के लिए हमें सीरीज बी चाहिए होता है, तो ये लाइन मानी जाती है, ये लाइन कोट बेसिकली, ये कोट कहते हैं कि स्टार्टअप इज रेडी फॉर सीरीज बी व्हेन इट रीचेस अ पॉइंट वेयर इट फाउंड्स इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो ये कोट है। तो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि सीरीज बी के लिए कि कैन यू मेक दिस कंपनी और स्टार्टअप यू हैव क्रिएटेड वर्क एट स्केल ठीक है, कैन यू गो फ्रॉम 100 to 1000 कस्टमर्स What about 1 million? ठीक है, ये बिग क्वेश्चन है सीरीज बी के लिए, जो आंसर सीरीज बी जिसका आंसर करता है, ठीक है। तो एक चीज है ये वर्क एट स्केल, ये स्केल क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा 12th की BST में भी है और भी बहुत सारी चीजों पे कि ऑपरेशंस ऑफ स्केल। ऑपरेशंस ऑफ स्केल क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आज मेरे एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, मेरे पास एक प्लांट है, मैं एक 10,000 प्रोडक्ट्स अपने बेच रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको ये चीज कि मान लीजिए मैं 10,000 यूनिट्स मैं जनरेट कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट आ रही है मेरे को ₹1,00,000, ठीक है, तो ये होगी ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो इस 1,00,000 में ना कुछ है फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होती है कि मान लीजिए रेंट, प्लांट का एरिया है जहां पर रेंट है तो उसका रेंट तो फिक्स है। अब मैं उसमें 10,000 करूं, 20,000 करूं, 50,000 प्रोड्यूस करूं, रेंट तो उतना ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर मैं 10,000 यूनिट कर रहा हूं तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 10 से ज्यादा कर रहा हूं तो 20 लगेगी, ठीक है। तो ये होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब मान लीजिए कि अपने प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से 100,000 यूनिट पर कर देता हूं, ठीक है, जिसमें मेरी फिक्स कॉस्ट तो सिमिलर रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरी फिक्स कॉस्ट तो 50,000 ही है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के 80,000 होगी, ठीक है, 80,000 होगी। तो मेरे प्रोडक्ट जो हुआ, तो मेरा प्रोडक्ट जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 130,000, ठीक है। तो ये मेरी टोटल जो कॉस्ट है नहीं, और मेरी यूनिट कितनी है 1,00,000 रुपए, तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी ना वो आएगी ₹1.3 पर यूनिट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्केल, कि मैं सेम जो कैपेसिटी मेरी उससे मैं अपने ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, इसे हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्केल। तो इसीलिए सीरीज बी में ये कहा गया कि कैन यू मेक दिस कंपनी जो आपने क्रिएट करी है कि वर्क एट स्केल, कि आप इसे अब ऑपरेशन स्केल, इसका स्केल, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप इसको एक स्केल पे काम करवा सकते हैं। कैन यू गो फ्रॉम 100 to 1000 कस्टमर्स, व्हाट अबाउट 1 million? कि आप जितने ज्यादा स्केल कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम होगी, और आपका प्रोडक्ट आप उतने अच्छे से प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए आप उस समय अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं उन तक, ठीक है, जो कि आपकी ऑफकोर्स
प्रॉफिट जनरेशन में और भी चीज़ और भी पैसों में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ हम कहते हैं। तो सीरीज बी मान लीजिए कि मैंने सीरीज बी रेज कर लिया, आई हैव रेज्ड सीरीज बी फंडिंग। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं रहता कि मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर बढ़ाता रहूँ, अपना कस्टमर क्रिएशन करता रहूँ। मैं आज 100 से 1000, 10000, 20000 कस्टमर से पहुंच गया। मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर से बढ़ाता रहूँ, बट मैं अपनी टीम भी बढ़ाऊंगा साथ साथ, ठीक है, ताकि मैं अपनी टीम बढ़ाऊंगा ताकि जो मैं कस्टमर ग्रो कर रहा है ना, मैं उस कस्टमर को उतने अच्छे से सर्व भी कर पाऊँ। कि ये तो नहीं है कि मेरी 1000 लोगों की टीम है और मैं 1 लाख कस्टमर को अभी 50000 को सर्व कर रहा हूँ और मेरी टीम आगे 10 लाख कस्टमर को भी सर्व कर ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे को अपना कस्टमर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ में अपनी टीम भी बढ़ानी है ताकि मैं उन कस्टमर्स को और अच्छे से सर्व कर पाऊँ और वो एफिशिएंसी बरकरार रख पाऊँ। तो ये गोल भी रहता है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अनअकैडमी के बारे में जाना था ना, सीरीज ए के बारे में, तो आज अनअकैडमी का एग्जाम्पल सीरीज बी के लिए भी लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है चीज़ों को समझने के लिए। तो जो अनअकैडमी 2015 में फाउंड हुई थी, 2017 में सीरीज ए आया था इनका, और 2019 सितंबर 5, 2019 टीचर्स डे वाले दिन इनका आया था सीरीज बी। सीरीज बी के लिए इन्होंने अपने फंड रेज करे थे। एंड कैन यू गेस कि इन्होंने कितना अमाउंट रेज करा था? सीरीज ए में तो इन्होंने $4.5 मिलियन करे थे, आज 31.4 बिलियन की कंपनी है। सीरीज बी में इन्होंने रेज करा था $11.5 मिलियन, ठीक है। इनके फाउंडर्स पता है हमें, रोमन सैनी सर, हिमेश सर, मुंजल। तो सीरीज बी में इन्होंने $11.5 मिलियन रेज करा था, जिसमें लीड इन्वेस्टर्स थे ऑफ कोर्स सीक्वा कैपिटल, सेफ पार्टनर्स और भी थे, नेक्सस थे, और भी अदर इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करा था, बट लीड इन्वेस्टर्स ही थे। लीड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है लीड इन्वेस्टर्स के बारे में। आप लोग इस वीडियो को पूरी सीरीज जो है हमारी स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि सीरीज बी क्या होती है, सीरीज ए क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना आप जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि पैसा चाहिए हमें, अब हम सीड स्टेज पे आ गए, प्री सीड पे, अब ए पे, बी पे, सी पे, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज़ के बारे में। तो इसके बाद जो हम एक चीज़ देखते हैं वो कि वाई सीरीज बी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। मैं एक साथ पहले पॉइंट लिख देता हूँ फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीरीज बी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बाय बिजनेस एक्सपेंशन, जो कि हमने पहले डिस्कस करा है, बिजनेस एक्सपेंशन चाहिए होता है, सीरीज बी उसी लिए होती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, फिर नई चीज़ करनी है। असेट परचेजिंग, ऑपरेशन ऑफ स्केल कैसे अचीव करेंगे हम, ऑपरेशन ऑफ स्केल, हमारे पास नई असेट सही है, हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हम वर्क ऑफ स्केल, ऑपरेशन ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। वर्क मेड क्विक एंड ईजी, क्या है ना कि अगर कोई टास्क, कोई भी चीज़ अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है करने के लिए ना, ठीक है, आपको कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए उस चीज़, उस काम को ईजी करने के लिए, तो यू शुड गो फॉर दैट। क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स रहेगी उसको करने के लिए वो टाइम कंज्यूम करेगी, आपकी एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा उस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो अभी जब आप एक स्टार्टअप या सीरीज बी के लिए, हाँ माना कि आप स्टार्टअप नहीं रहे, अब आप सीरीज बी के लिए हैं, अब आप एक मैच्योर फॉर्म है, अब आप स्टार्टअप नहीं रहे, अब आप स्टार्टअप कहलाएंगे भी नहीं, ठीक है, बट स्टिल आप एक पूरा डेवलप कंपनी भी होगी ना, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो टास्क अगर ईजी परफॉर्म कर सकती है, उस एफिशिएंटली के साथ कर सकती है ना, तो यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेट्स, बेसिकली क्या है कि अब सीरीज बी में आ गए तो अब आपने जो से पहले डेट्स हुए होंगे, जो आपने लिए होंगे, तो उन सारी चीज़ों को पे ऑफ करने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए भी फंड्स चाहिए, तो इसलिए सीरीज बी यहाँ पे भी काम आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सीरीज बी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए।
तो अब ये चीज़ देखते हैं कि सीरीज बी तो आगे हमने जान लिया कि क्या क्या होता है, किस स्टेज पर आगे, तो हाउ टू रेज सीरीज बी। वैसे इसमें इतना कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि सीरीज बी के लिए हम कैसे रेज करें। तो हम कुछ चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेटवर्क, आपको अपना नेटवर्क स्टार्टिंग से ही बना के चलना है, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट फॉर योर इन्वेस्टर, ठीक है। तो क्या कीजिए कि अब जब मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, तो अब मैं उन्हें अपना ट्रैक्शन दिखाऊंगा, अपने रिकॉर्ड दिखाऊंगा पिछले, ठीक है। तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी ने यहाँ से जीरो से लेके जब कंपनी स्टार्ट हुई, तो आज उसके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो आगे एक्सपैंड के लिए, आगे एक्सपेंशन के लिए, आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जा सकती है। तो अब जब इन्वेस्टर्स रेडी होंगे ना, इन्वेस्टर्स को पता चलेगा, तो वो आपस में भी होंगे कि हाँ नहीं, मेरे को 25% स्टेक के लिए करना है, मेरे को 35% स्टेक्स के लिए करना है। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे आप सीरीज बी का रेस करिए। फाइंड बैलेंस, ठीक है। तो फाइन बैलेंस इन द सेंस कि आप आज ये नहीं कह सकते कि आपने आज एक स्टार्टअप करा तो आपका 99% आप डेट से फंड रेज कर रहे हैं। तो जो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होती है ना, वो होती है 2:1, ठीक है। ये आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होती है, तो आइडियल है मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कुछ इस चीज के, ये बनी है किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस आपको रखना है कि आप डाइल्यूशन ज्यादा ना कर लें, आप डेट ज्यादा रेज ना कर लें, तो इस सारी चीज का बैलेंस स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टर्स देखने पड़ेंगे, कौन इक्विटी स्टेक्स मांग रहा है, कौन प्रेफर्ड स्टॉक्स चाहिए किसको, किसको डिबेंचर्स के जरिए, कौन लोन दे रहा है हमें, तो ये सारी चीज आपको देख के चलनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें, ग्रोथ एंड एबिलिटी टू प्रोग्रेस, प्रिपेयर अट्रैक्टिव पिच, बी अ गुड कम्युनिकेटर, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं सीरीज बी की फंडिंग रेज करने के, ठीक है। जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और हम बार बार उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको पता चलेगा। तो अब ना हम एक लास्ट चीज जो रहती है, हम ऐसे करते हुए चलिए, हम इस चीज को देख लेते हैं कि सीरीज ए वर्सेस बी क्या क्या चीज होती है। कि अब मेरे को पता चल ऐसा लगेगा कि मैं सीरीज ए के लिए और बी में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि आप सीरीज बी में एक्सपेंशन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, बट सीरीज ए में ना आपको एक्सपेंशन या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। आपको चाहिए होता अपने बिजनेस को, जो आपका आइडिया है ना गुड बिजनेस को ग्रेट बिजनेस बनाने के लिए, तो आपको उस प्रोडक्ट लॉन्च में भी कुछ कई सारे होते हैं कि सीरीज ए में ना आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, पता चलता है आपको कि कस्टमर्स क्या है, फीडबैक क्या है, तो वो ट्रैक्शन वगैरह में चाहिए होते हैं सीरीज बी के लिए, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन तो नहीं चाहिए होता हमें एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट मार्केट के लिए चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस है सीरीज ए में बी में। सीरीज ए में और क्या डिफरेंस आता है, इसमें डिफरेंस आता है कि फंड अमाउंट ऑफ फंड जो कि डिफर कर सकता है, जो अगला डिफरेंस रहता है वो था अमाउंट ऑफ फंड्स का, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने अनअकैडमी का लिया था एग्जांपल, उसमें अराउंड 4.5 मिलियन डॉलर्स रेज करे थे सीरीज ए में और 11.5 डॉलर्स रेज करे थे सीरीज बी में। तो ये भी एक डिफरेंस है कि सीरीज ए में इतना से इतने तक ही रेज कर सकते हैं कैपिटल, उसके फर्दर के लिए हमें सीरीज बी के लिए जाना पड़ता है। तो ये भी चीज है, डिफरेंस है, ये सारी चीजें डिफरेंस है। और आपका मार्केट क्या है, आपका टारगेट मार्केट है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्दर, ये सारी चीजें हैं, यही चीजें जो सीरीज ए और सीरीज बी को अलग अलग बनाती है। और बिजनेस मॉडल्स भी होती है, बिजनेस मॉडल्स उनकी वजह से भी सीरीज ए और सीरीज बी में डिफरेंस रहता है। तो ये सारी मिलके कुल चीजें जो सीरीज ए और बी में डिफर करती हैं चीजें, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, यही दो तीन चीजें जो सीरीज ए और बी में डिफर करती हैं, कुछ सच डीप नहीं है इसमें। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सीरीज बी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करी है अनअकैडमी के एग्जांपल के साथ, सीरीज ए में भी, सीरीज बी में भी, और सीरीज सी में भी लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने क्वेरीज कमेंट में भी पूछ सकते हैं हमसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।